क्वेश्चन है फॉर 10th क्लास के लिए, कैसे करोगे? secant a किसके बराबर होता है? 1 over cos a, ठीक है, 1 minus sin a, ये आ गया। secant a किसके बराबर है? 1 over cos a plus, ये किसके बराबर है? sin a over cos a। अब ये लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड 1 है, इसके बराबर हमने करना है। 1 ओवर cos a, इसको मल्टीप्लाई किया 1 ओवर cos a, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया sin a बटा cos a, ये आ गया एक, एक ये आ गया। इसमें cos a को हमने LCM ले लिया, 1 प्लस sin a, ये हो गया ना। अब क्या है यहाँ पे, कितना आएगा cos a, इसका LCM है 1 माइनस साइन ए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब इसको इससे करना है 1 माइनस साइन ए, अब क्या है इसको इससे करना है प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया, ये कर गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।